नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेके मैं फिर से आप लोगों के सामने लाइव हो चुका हूं। दोस्तों आपको बता दूं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सारे के सारे, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। हूबहू आपका पेपर है ब्रह्मास्त्र मित्रों, ये पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट के लिए। साथ ही में यदि आप दोस्तों सीईटी का भी एग्जाम दे रहे हो या फिर किसी और भर्ती परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हो राजस्थान में, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। तो दोस्तों मैं शुरू करता हूँ आज की 7वें नंबर की महत्वपूर्ण क्लास। इससे पहले 6 क्लासें नहीं देखी है तो वो जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों जो राजस्थान की नए जीके आई है वो भी मैं आप पढ़ाना शुरू कर दिया हूँ, तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हो। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सी जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? तो परंपरागत विधि नहीं है जल संरक्षण की, वो आपको बताना है। तो नाली परंपरागत विधि नहीं है, नाड़ी है, टोबा है, जोहड़ है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके अलावा परंपरागत में कुआं आ जाएगा, नहर तालाब वगैरह आ जाएंगे मित्रों, ठीक है। चलिएगा मित्रों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। दो खेल पुरस्कारों गुरु वशिष्ठ पुरस्कार एवं महाराणा प्रताप पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि को 1 लाख से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? तो 1 लाख से बढ़ा करके महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की जो राशि कर दी गई है वो 5 लाख कर दी है, 1 लाख से बढ़ा करके। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, रावण हत्या किसका मुख्य वाद्य यंत्र है? रावण हत्या का जो है मुख्य वाद्य यंत्र किसका है रावण हत्या? तो ये भोपा का जो है, भोपा जाति का मुख्य वाद्य यंत्र होता है रावण हत्या। रावण हत्या जो वाद्य यंत्र है ये मुख्य वाद्य यंत्र है भोपा जाति का। अगला प्रश्न है, भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया था? भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया था? भरतपुर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो आपके रेवाड़ी हरियाणा में हुई थी। कहाँ हुई थी? रेवाड़ी हरियाणा में, जिस प्रकार बीकानेर की कलकत्ता में हुई थी, जैसलमेर की जोधपुर में हुई थी, उसी प्रकार दोस्तों आपके भरतपुर की रेवाड़ी हरियाणा में स्थापना हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। डेगाने खान है राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो डेगाने खान जो है, डेगाने की जो खान है वह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो डेगाना खान जो है दोस्तों नागौर में स्थित है। कहाँ पर? नागौर जिले में डेगाना। अगला प्रश्न, काजरी अवस्थित है, काजरी के अलावा आपसे पूछे आफरी, काजरी पूछे या आफरी पूछे, ये दोनों एक ही जगह है, काजरी और आफरी, इन सभी दोनों का मुख्यालय आपके जोधपुर में। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काजरी की स्थापना कब हुई थी? 1959 में, यानी कि 1959 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी काजरी की, ठीक है मित्रों। चलो अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, लो ये लीजिए, नौनेरा या नौनेरा बांध निर्माण कार्य चल रहा है, यानी कि नौनेरा या नौनेरा नामक जो बांध है वो कौन सी नदी पर चल रहा है इसका काम? तो इसका कार्यकाल काम चल रहा है काली सिंध नदी पर। कहाँ पर? काली सिंध नदी पर चल रहा है, ये आप लोगों को याद रखना है। जिला पूछ ले तो कोटा जिला हो जाएगा, कौन सा जिला कि कौन से जिले में बन रहा है नौनेरा बांध काली सिंध के ऊपर, तो ये कोटा जिले में हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, एक जैसे नौ महल किस किले में बने हुए हैं? अपनी नौ रानियों के लिए एक जैसे नौ महल बनवाए थे नारगढ़ किले में, ये आप याद रखना। कहाँ बनवाए थे? नारगढ़ किला, जिसको गिरिदुर्ग जो है जयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जयपुर में। किला किसने बनवाया था? जयसिंह के द्वारा, सवाई जयसिंह के द्वारा 1734 में दोस्तों इस किले का निर्माण करवाया था। परंतु जो नौ एक जैसे महल है जयसिंह ने तो नहीं बनवाए, फिर बनवाए किसने थे सर? तो ये बनवाए थे सवाई माधो सिंह ने। किसने बनवाए थे? सवाई माधो सिंह ने एक जैसे नौ महल बनवाए थे अपनी नौ रानियों के लिए। अगला प्रश्न, इसे आप छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न, राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में है? तो राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में, आपसे ये भी पूछा जा सकता है किस नदी पर है? तो राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर है। चंबल नदी पे चार बांध है, गांधी सागर है, राणा प्रताप सागर है, जवाहर सागर है, कोटा बैराज है, तो ये चार बांध बने हुए हैं, तो ये भी आप याद रखना। अब राणा प्रताप जो सागर बांध है ये चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। और दोस्तों
जो चंबल नदी परियोजना है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है 50-50% के साथ। अगला प्रश्न, कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है बताइए इसका जवाब। तो मांगीलाल मिस्त्री कावड़ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। कौन? मांगीलाल मिस्त्री का संबंध है कावड़ बनाने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको भी छोड़ दीजिएगा आप। अगला प्रश्न, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले की किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ था? तो आपको बताना है, तो यहाँ पर जो पिछले साल दोस्तों विश्व आदिवासी दिवस पर 9 अगस्त को बांसवाड़ा जिले की किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ था? तो कौन सी नदी पर हुआ था? तो ये हुआ था अनास नदी पर। कहाँ पर? अनास नदी पर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की दूसरी मीरा संत राणाबाई का जन्म कहाँ? राजस्थान की मीराबाई का तो आपको बताया जिनका नाम मीराबाई है इसे, परंतु ये दूसरी मीराबाई थी राजस्थान की संत राणाबाई। तो संत राणाबाई का जन्म कहाँ हुआ? तो संत राणाबाई का जन्म हुआ हरनावा मकराना नागौर में। कहाँ पर? हरनावा जो है नागौर में। तो ये भी आप याद रखना कि हरनावा कहाँ पर? नागौर में इनका जन्म हुआ था। इनको राजस्थान की दूसरी मीरा कहते हैं, तो ये आप याद रखिए। इनका मेला भरता है बादवा की शुक्ल त्रयोदशी को। कब? बादवा की शुक्ल त्रयोदशी को मेला भरता है राजस्थान की दूसरी मीरा का, याद रखिए। राजस्थान में किस क्षेत्र में पनडारी मोदक प्रसिद्ध है? पनडारी मोदक प्रसिद्ध है, तो पनडारी मोदक प्रसिद्ध है ये आपके बीकानेर के पनडारी मोदक प्रसिद्ध है। आज की क्लास में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो आप अंत तक जरूर देखें। राजस्थान में पैरा एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए 2 शहरों में आवासीय पैरा स्पोर्ट अकादमी स्थापित की जाएगी। यानी कि राजस्थान में जो पैरा एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए 2 शहरों में आवासीय पैरा स्पोर्ट अकादमियों की स्थापना की जाएगी, तो वह की जाएगी जोधपुर और आपके जयपुर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और मयस थे? तो अत्रि भट्ट और मयस भट्ट जो थे वो किस प्रशस्ति के लेखक है, रचनाकार है? तो आपको बताया कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचनाकार है, प्रशस्तिकार है। तो मयस भट्ट और पिता अत्रि भट्ट। कौन? मयस भट्ट इनका बेटा था और अत्रि जो कि इनके पिताजी थे। तो ये दोस्तों प्रशस्ति कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो कि विजय स्तंभ पर लगी हुई है, इसका निर्माण इनके द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक, मारवाड़ के जो राठौड़ राजवंश है इसके संस्थापक हो जाएंगे राव सिंहा। तो राव सिंहा दोस्तों इनका कार्यकाल था 1240 से लेकर के 1243 तक। इन्होंने दोस्तों राव सिंहा ने मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक माना जाता है। मारवाड़ का आदि पुरुष, मूल पुरुष या संस्थापक भी इनको कहा जाता है। और इनकी जो प्रथम राजधानी थी वो पाली थी। कौन सी थी? पाली थी। अगला प्रश्न, मारवाड़ राज्य में किस प्रकार के सामंतों को रेक हुक्मनामा और चाकरी से 3 पीढ़ियों के लिए मुक्त किया जाता था? बताओ, जवाब हो जाएगा राजवी को। किसको? राजवी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी कौन था? रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी था दीपा। कौन? रणकपुर जैन मंदिर का दीपा, या इसी को बोलते हैं देपाक। देपाक, ठीक है ना, देपा भी आता है कभी कभी ऑप्शन में, कभी कभी देपाक भी आता है, तो देपाक हो जाएगा। आपसे ऐसे पूछ ले कि हवा महल के शिल्पी या वास्तुकार कौन है, तो लालचंद उस्ताद है। कुंभलगढ़ के है मंडल, चंद्र महल के याकूब, और दिलवाड़ा जैन मंदिर के बिम्बल वसई हो जाएगा, लूण वसई हो जाएगा। तो ये भी आप लोग याद रखिए, इम्पोर्टेंट है जो जो मैंने शिल्पी आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 12 जिले में प्रवाहित नहीं होती है? तो 12 जिले में जो प्रवाहित नहीं होती है वो आप लोगों को बताना है। तो 12 जिले में कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो कुराल नदी दोस्तों 12 जिले में प्रवाहित नहीं होती है। कुन्नू होती है, पार्वती होती है, परवन होती है, परंतु कुराल नहीं होती है। अगला प्रश्न, खेजड़ी वनस्पति प्रजाति वृक्ष पाई जाती है? तो खेजड़ी जो वनस्पति है या वृक्ष है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों में, वन, ठीक है। चलो अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से मारवाड़ शासकों में से मारवाड़ का महाराणा प्रताप किसे कहा जाता है? मारवाड़ का महाराणा प्रताप, या मारवाड़ का अग्रगामी, या मारवाड़ का बुला बिसरा राजा भी इन्हीं को कहा जाता है। इनका नाम है राव चंद्रसेन। इनका कार्यकाल था 1562 से लेकर के 1581 तक, 1562 से 1581 तक इनका कार्यकाल था, ये आप लोग याद रखिए। इन्होंने दोस्तों लोहावट का युद्ध लड़ा और इन्होंने नागौर दरबार में उपस्थित नहीं हुआ, और मतलब महासंग्राम चलता रहा हमेशा जो है राव चंद्रसेन के बीच और अकबर के बीच में, हमेशा कटबट चलती रही, हमेशा युद्ध होते रहे, ये भी आप याद रखना। महाराणा प्रताप का अग्रगामी इन्हीं को कहा जाता है, मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी इन्हीं को कहा जाता है। राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ है? तो प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली है दोस्तों मानसर। कहाँ? मानसर। मानसर कहाँ है बताइए? झुंझुनू में। तो मानसर झुंझुनू में दोस्तों आपकी क्या है? सोने चांदी की हवेलियाँ है। हमेल शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो हमेल को हम कहाँ पर पहनते हैं, मतलब हमेल कहाँ पर पहना जाता है, लड़कियाँ कहाँ पर पहनती है हमेल को बताओ फटाफट। हमेल कहाँ पर पहना जाता है? तो हमेल गले का एक आभूषण होता है, आपने देखा नहीं होगा परंतु बहुत सारे टाइप के अलग अलग आभूषण होते हैं, ठीक है? तो आभूषण होता है ये हमेल टाइप, हमेल आभूषण होता है गले का। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पर स्थापित राजस्थान रूप टॉप सौर संयंत्र किस स्थान पर है? तो रूप टॉप सौर संयंत्र कहाँ पर है, कौन से स्थान पर है अपना राजस्थान? दूसरे स्थान पर। सौर ऊर्जा उत्पादन प्रथम स्थान पर स्थापित राजस्थान रूप टॉप टॉप और सौर संयंत्र में किस स्थान पर है? सौर ऊर्जा में प्रथम और रूप टॉप सौर संयंत्र में दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न, राजस्थान में सॉरी उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना कौन थी, संस्थापक कौन थी? उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी? तो वो थी शांता त्रिवेदी। कौन थी मित्रों? शांता त्रिवेदी सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में बायोमास ऊर्जा के उत्पादन हेतु विशाल संभावनाएं किस कारण से हैं? तो राजस्थान में बायोमास ऊर्जा के उत्पादन हेतु विशाल संभावनाएं अथा भंडार है किस कारण? क्योंकि यहाँ सूखी लकड़ियाँ जैसे सरसों की लकड़ियाँ एवं पशुधन बहुत मात्रा में, इसलिए यहाँ पर विशाल संभावनाएं हैं। तो दोस्तों मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए, अब तक 28 क्वेश्चन हो चुके हैं, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है एक बार जरूर आप कमेंट करके अपना फीडबैक दे दीजिएगा मित्रों, ठीक है? क्योंकि अभी आपके पास और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं 22, तो चलिएगा दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। निम्न में से राजस्थान में कौन से बाघ में थार पारकर गाय पाई जाती है? तो थार पारकर गाय कहाँ पाई जाती है? तो ये पश्चिमी राजस्थान में जो थार वाला क्षेत्र है, मरुस्थल वाला क्षेत्र है, उसके आसपास पाई जाती है थार पारकर नस्ल। बड़ला सोलर पार्क कहाँ है? तो बड़ला सोलर पार्क कहाँ है? जोधपुर में। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि मरुस्थल बहुत सारा है, बड़ला तो जैसलमेर में होगा, तो ज़्यादातर कन्फ्यूजन होता है हर बच्चे को, जयपुर तो कोई लगाएगा नहीं, परंतु जैसलमेर और जोधपुर में कन्फ्यूजन रहता है। तो याद रखो, आप अच्छे से याद रखो, जोधपुर और बड़ला, जोधपुर बड़ला, जोधपुर बड़ला, ऐसे दो चार बार याद करोगे हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो राजस्थान में प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी? तो वो थी 1951-52 में हुई थी, 1951-52 में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। उस्ता कला पद का प्रयोग किस चित्रकला शैली के संदर्भ में किया जाता है? उस्ता कला बोलो या मथेरण कला बोलो, तो ये एक ही जगह की है, तो ये हो जाएगा बीकानेर से संबंधित है। उस्ता कला होती है जो ऊंट की खाल पर आपको जो है चित्र उकेरे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 84 कंबों की छतरी कहाँ है? 84 कंबों की छतरी आपके बूंदी में, और 80 कंबों की छतरी पूछ रहे तो अलवर में है। कहाँ है? अलवर में है 80 कंबों की छतरी, और 84 कंबों की छतरी बूंदी में है। 80 कंबों की छतरी है मूसी महारानी की छतरी जो कि अलवर में पड़ती है। अगला प्रश्न लीजिएगा आपके सामने, भारतीय विमान पतन प्राधिकरण की उड़ान प्रशिक्षण संगठन नीति के तहत में एक नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमी खोली जानी है, तो कहाँ पर खोली जानी है? तो ये किशनगढ़ में खोली जानी है, किशनगढ़ अजमेर में। अगला प्रश्न, सीताबाड़ी मेला मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है?
तो सीताबाड़ी का मेला आप लोगों को पता है दोस्तों, इसे दोस्तों हाड़ती का कुंभ भी कहते हैं, शहर या जनजाति का कुंभ भी इसको कहते हैं। ये आप याद रखिएगा, हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला है शहर या जनजाति का सीताबाड़ी मेला। सीताबाड़ी मेला कहाँ लगता है? बारा जिले में लगता है। कहाँ? बारा जिले में लगता है, केलवाड़ा में। कहाँ पर? बारा जिले में, केलवाड़ा में लगता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से लोक नृत्य दे रखे हैं और उसके क्षेत्र दे रखे हैं जो सुमेलित नहीं है, वह आप लोगों को बताना है। चलो बताओ फटाफट। देखो, डांडिया नृत्य मारवाड़ का है, बिल्कुल सही है। किदड़ नृत्य शेखावटी का है। ढोल नृत्य जालोर का है। बम रसिया नृत्य बीकानेर का नहीं है। बम रसिया नृत्य बीकानेर का नहीं है, बम रसिया नृत्य भरतपुर का है। कहाँ का है? बम रसिया नृत्य भरतपुर का प्रसिद्ध है, मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। बीकानेर का अग्नि नृत्य है। बालाथल सभ्यता उत्खनन, बालाथल सभ्यता उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? तो बालाथल उत्खनन हुआ था वी एन मिश्र के, किसके निर्देशन में? वी एन मिश्र के निर्देशन में हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा। कुछ और इम्पोर्टेंट है, जैसे अमलानंद घोष का नाम आ रहा है। अमलानंद घोष कहाँ के खोजकर्ता थे? तो ये आपको पता है, कालीबंगा के। और भी थे कुछ इनके साथी, बीबी लाल और बीके थापर, ये बाद में थे, परंतु सर्वप्रथम खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। इसी प्रकार दोस्तों आरसी अग्रवाल का नाम भी आ रहा है। तो आरसी अग्रवाल ने जो उत्खनन किया था वो गणेश्वर सभ्यता का, और बीबी लाल का मैंने बता ही दिया अभी आपको, कालीबंगा। तो चारों ऑप्शन का मैंने आपको डिटेल बता दिए। राजस्थान में प्रथम पर्यटन नीति किस वर्ष में घोषित की गई थी? तो राजस्थान में प्रथम पर्यटन नीति किस वर्ष आई थी? 2001 में राजस्थान में प्रथम पर्यटन नीति आई। मोतीलाल तेजावत ने कहां से आदिवासियों का करबंदी आंदोलन प्रारंभ किया था या आरंभ किया था? मोतीलाल तेजावत जी ने, तो जवाब हो जाएगा जाडोल उदयपुर से। जाडोल उदयपुर से मोतीलाल तेजावत ने करबंदी आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न, 2021 में राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक क्षेत्र में सघन वन पाए जाते हैं? 2021 की बात करो या अभी वर्तमान की बात करो? तो ये तो बताइए फटाफट, जवाब हो जाएगा, जवाब देगा निम्न में से, अलवर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आप इसे छोड़ दीजिए एक बार, आप इसे याद मत कीजिए, मैं डिटेल बता दूंगा आपको पूरी इसके, है ना। अब इसे याद मत करो क्योंकि इसमें थोड़ा बदलाव हो गया, नई रिपोर्ट आ चुकी है अब, है ना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है मित्रों, अब इसे याद मत कीजिएगा। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत राजस्थान में निजी स्कूलों में अध्ययनरत बालिकाओं को अब निःशुल्क शिक्षा पढ़ सकेगी? जवाब होगा 12वीं कक्षा तक। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में गिलुंड पुरातत्व उत्खनन स्थित है? गिलुंड पुरातत्व उत्खनन स्थल स्थित है, जवाब है राजसमंद में। कहाँ पर? राजसमंद में स्थित है मित्रों। लीजिए अगला प्रश्न, विश्व युवा दिवस पर राजस्थान सरकार ने किसे स्किल एम्बेसडर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया था? तो हो जाएगा अशोक यादव को। नेक्स्ट प्रश्न, इसे भी आप छोड़ दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है? तो गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है वागड़ी बोली पर। किस पर? वागड़ी भाषा पर गुजराती का प्रभाव दिखता है। तारकसी का संबंध है, तो तारकसी की जो कलात्मक जो है इसका संबंध हो जाएगा नाथ द्वारा राज संबंध से। नाथ द्वारा राज संबंध से संबंधित है तारकसी का संबंध। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? कौन सी है जो भेड़ की नस्ल नहीं है मित्रों? तो वह राठी जो है भेड़ की नस्ल नहीं है। तो राठी क्या है? भेड़ की नस्ल नहीं है। राठी किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है मित्रों। जबकि चोकला, पुंगल, नादी ये भेड़ की नस्ल है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत तड़ा कहाँ अवस्थित है? प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत तड़ा कहाँ पर है? तो जसवंत तड़ा कहाँ पर है? जोधपुर में हो जाएगा मित्रों। जसवंत तड़ा कहाँ होगा? जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से बीकानेर का स्थापना दिवस कौन सा है, कब मनाया जाता है? तो बीकानेर स्थापना दिवस कब मनाया जाता है बताइए फटाफट, सभी के विद्यार्थियों का जवाब आएगा अक्षय तृतीया के दिन।
वैशाख शुक्ल तृतीया, इसी को बोलते हैं अक्षय तृतीया, आखा तीज, ठीक है ना। इसी दिन दोस्तों बीकानेर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान निक्सले पोषण योजना का संबंध है, राजस्थान निक्सले पोषण योजना का संबंध है किससे? टीबी के मरीजों से, किससे? टीबी के मरीजों से संबंधित है मित्रों। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दीजिए सभी के सभी विद्यार्थी, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ही खास रखी थी मैंने दोस्तों। और आशा करता हूँ आपको अब तक जो मैंने 7 क्लासें करवाई है आपको पसंद आ रही होगी, तो आपने वो वीडियो भी देखी होगी। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है, और भी कोई कमी नज़र आती है आप लोगों को तो कमेंट कर दिया करो, और अच्छी लगती है तो अच्छा कमेंट कर दिया करो। कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सअप में भी मैसेज किया था कि सर आपकी क्लास अच्छी लग रही है, आपको भी अच्छी लगती है तो आप मुझे बता सकते हो 82 90 37 23 59 इस नंबरों पे आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो मित्रों। मैं मिलता हूँ नई वीडियो के साथ कल शाम को 8 बजे, तब तक जय हिंद दोस्तों, जय भारत, सभी को बेस्ट ऑफ लक।